हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ बाय निशान झा। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग वर्ग 10 के गणित सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग अध्ययन करते हुए पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। 3 का क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और दूसरे क्वेश्चन को, पहला और दूसरा क्वेश्चन को 3 नंबर का इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर, पहले उसको समझते हैं। निम्न समस्याओं में, निम्न मतलब मोर देन वन, एक से अधिक। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। दो संख्या है जिसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से समझते हैं, दो संख्याओं का अंतर यानी कि दो संख्या को जो हम लोग हटाएंगे तो 26 होगा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या जो है वो पहले संख्या का या दूसरे संख्या जो है पहले संख्या या पहला संख्या दूसरे संख्या का 3 गुनी होगा, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। x माइनस y बराबर 26। फिर प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या दूसरे का 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। x का ये मान निकला, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो वैल्यू निकला उसको समीकरण 1 में रखते हैं तो x माइनस y बराबर 26, या x के जगह पे 3y है, 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y को घटा लिए, 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर 26 बटा 2 काट दिए 13। y का मान x बराबर 3y में रखने पर, x बराबर 3y है तो x बराबर 3 × 13 बराबर 39। x बराबर 39 तथा y बराबर 13, ये आंसर हुआ पहला क्वेश्चन का। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले ये समझिए संपूरक कोण किसको कहते हैं। तो दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको आपको समझना होगा कि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो कह रहा है कि इसमें एक बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो माना कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। इसमें भी कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा में से छोटे को घटा लेते हैं तो बराबर 18 हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर 18। इसको हम लोग पहला समीकरण मान लिए। फिर प्रश्न कह रहा है जो आपको पता है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पुनः प्रश्न से x प्लस y, एक कोण x है और दूसरा कोण y है, बराबर 180 डिग्री होगा। चूंकि आपको पता है कि दो संपूरक कोण का योग बराबर 180 डिग्री, जो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x माइनस y बराबर, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए 1-2 करके ले रहे हैं, नहीं तो उसको विरोपण से भी सॉल्व करते। सवाल कह दिया प्रतिस्थापन विधि, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना, पुश करना ना भूलें। अब समीकरण एक से x माइनस y बराबर 18 डिग्री या x बराबर 18 डिग्री, ये y जो है माइनस में है, इसको अगर हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में इस तरफ आया तो प्लस हो गया। तो x बराबर 18 डिग्री प्लस y, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस y बराबर 180 डिग्री, 18 प्लस y डिग्री, x का वैल्यू यहाँ आया हुआ है, इसको रखे प्लस y बराबर 180 डिग्री, इस दोनों y को जोड़ेंगे, या 18 डिग्री प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, या 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, या 2y बराबर 162 डिग्री, इसलिए y बराबर 162 बटा 2 काट दिए 81 डिग्री, 81 दूना 162, 8 दूना 16, 2 × 2। अब समीकरण एक में y का मान रखने पर x माइनस y बराबर 18 डिग्री या x माइनस 81 डिग्री बराबर 18 डिग्री, इसलिए x बराबर 18 डिग्री, ये जो माइनस में था इस तरफ लाए प्लस 81 डिग्री बराबर 99 डिग्री, बड़ा कोण बराबर x डिग्री बराबर 99 डिग्री होगा तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री बराबर 81 डिग्री। आपका आंसर आ गया कि एक कोण 99 डिग्री का होगा, दूसरा 81 डिग्री का होगा। अगर आपको आसानी से समझ में आ गया हो दोनों क्वेश्चन, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।